दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस किचन कॉर्नर। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं चने दाल की कढ़ी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 250 ग्राम चना दाल। इसको मैंने पानी में 2 घंटा तक भिगो कर रखा है, तो ये फूल चुका है। तो इसका हम लोग ग्राइंडर में इसको पीस कर हम लोग पेस्ट बना लेंगे। और साथ ही हम लोग क्या क्या इंग्रेडिएंट्स के साथ यूज़ कर रहे हैं वो मैं बता देती हूँ। तो 2 मीडियम साइज़ प्याज कट करके हम लोग ने लिया है, सूखी लाल मिर्च है, मेथी है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, लहसुन का पेस्ट है और नमक है। ये चने दाल से हम लोग पकौड़ा भी बनाएंगे और इसी से हम लोग कढ़ी बनाएंगे। दाल मैंने पीस लिया है ग्राइंडर में, आप देख सकते हो मैंने 2 बाउल में ले लिया है दाल। सो ये दाल जो मैंने लिया है वो पकोड़ा बनाने के लिए लिया है और ये है जो कढ़ी बनाने के लिए। तो इसका काम मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, फिलहाल के लिए हम लोग पकोड़ा का तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये है हम लोग का दाल जो हम लोग पकोड़ा बनाएंगे, इसमें हम लोग को क्या क्या ऐड करना है। साथ ही आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि जो प्याज हम लोग ने लिया था उसको भी हम लोग को पीस लेना है, तो हम लोग ने पीस लिया है। अब इसमें हम लोग नमक नहीं ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, उसके बाद अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर आप ऐड करिए। उसके बाद इसमें हम लोग है ये सारा लहसुन का जो पेस्ट है इसमें ऐड करेंगे। और नमक जो है हम लोग अभी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा जब हम लोग इसको फेंट लेंगे, उसके बाद इसमें हम लोग नमक तब हम लोग इसमें ऐड करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम लोग इसको फेंट लेते हैं अच्छे से अपने हाथों से। तो जितना हम लोग इसको फेंटेंगे अच्छे से उतना अच्छा हम लोग का सॉफ्ट पकौड़ा होगा। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप तीखा और ऐड कर सकते हो, आप और लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हो एंड नमक आपके हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। लगभग 5 से 10 मिनट हम लोग को इसको फेंट लेना है और उसके बाद इसमें नमक ऐड कर लेना है, उसके बाद इसका हम लोग पकौड़ा बनाएंगे। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे नमक, सॉरी मैं उल्टे हाथ से डाल रही हूँ क्योंकि मेरा हाथ अभी जो गंदा है। सो नमक अपने टेस्ट के हिसाब से अब हम लोग डालकर और इसको हम लोग पकौड़ा बस बनाएंगे। इसको मिक्स कर लेती हूँ मैं नमक को अच्छे से। तो जो हम लोग का दाल रेडी है अब पकौड़ा बनाने के लिए, तो अभी हम लोग चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम लोग पकौड़ा डालेंगे। पकोड़ा आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, अगर आपको बड़ा पसंद है तो आप बड़ा डालिए, अगर आपको छोटा पसंद है तो आप छोटा भी डाल सकते हो। लेकिन ये जो मीडियम साइज़ मैंने दिखाया है ये इतना ही रहेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि जब ये कढ़ी पे जाएगा तो ये फूल जाएगा। तो मीडियम फ्लेम में हम लोग को करना है फ्राई। हमारा पकोड़ा लाल हो गया, अब इसको हम लोग निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसको अच्छे से हम लोग तेल को हम लोग निकाल कर उसके बाद हम लोग एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो हमारा पकौड़ी और ये छोटा सा बूंदी जैसा पकौड़ी छोटा छोटा रेडी हो गया है। अब हम लोग तैयार करेंगे हमारा मसाला कढ़ी के लिए। सो हम लोग ने अभी मसाला तैयार कर लिया है। तो मसाला कैसे तैयार करना है मैं आपको बता देती हूँ। प्याज जो हम लोग ने पीस लिया था उसी में हम लोग ने 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ले लिया है। सो ऐसे ही हम लोग मसाला तैयार करना है। एक कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है और गैस ऑन कर लिया है। तो आप देख सकते हो तेल अभी गर्म हो चुका है, तो इसमें हम लोग डालेंगे मेथी के दाने। इसमें हम डाल रहे हैं सूखा लाल मिर्च और गैस का फ्लेम को हम लोग कम कर लेंगे और इसमें हम लोग जो मसाला हम लोग ने रेडी किया था वो इसमें हम लोग ऐड करेंगे। ये ढक्कन को ले लेंगे हम लोग सबसे पहले और इसको इस तरीके से हम लोग डालकर ऐसे कर देंगे। ढक्कन अब हम लोग खोल लेते हैं और इसको हम लोग चला लेंगे। ढक्कन हम लोग इसीलिए लगाते हैं ताकि इसका जो भी फ्लेवर है वो बाहर ना जाए और इसका टेस्ट अच्छा। अब इसको हम लोग
थोड़ा हाई फ्लेम पे कर लेंगे और इसको हम लोग मसाला को तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से तेल नहीं अलग हो जाता है, तब तक इसको हम लोग को भून लेंगे। तो ढक्कन लगाकर अब इसको हम लोग रख देते हैं। मसाला आप देख सकते हैं, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, पानी ऐड कर लेना है ताकि मसाला जो है अच्छा से भून जाए। तो मैंने यहाँ पर लिया है आधा ग्लास पानी और इसको आप देख सकते हैं ऐसा हम लोग ने, आप देख सकते हैं हमारा मसाला जो है भून चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, हमने जो अलग से एक दाल रखा था एक बाउल में, उसमें हम लोग को 2 कप पानी दाल में ऐड करना है और जब हमारा मसाला भून जाएगा इस दाल को हम लोग को उसमें डालना है। मसाला भून चुका है, अब इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं हमारा जो दाल है, दाल को हम लोग ऐड कर लेना है अच्छे से। और अगर इसमें हम लोग को और पानी ऐड करना है तो हम लोग ऐड कर लेंगे और इसको अब हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दाल को मसाले में। और इसको हम लोग को अच्छे से पकाना है, इसको हम लोग को तब तक चलाते रहना है कंटिन्यूसली जब तक इसमें एक बॉइल नहीं आ जाता है। आप देख सकते हो ये बॉईल आ चुका है इसमें और किस तरीके से जो दाल है आप देख सकते हो फूट रहा है और ये गाढ़ा भी हो चुका है। तो गाढ़ा हो चुका है तो हम लोग को क्या करना है, इसको देखिए कंटिन्यूअसली हम लोग को चलाना है।